नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है, जहां कोर्ट के इस फैसले से सुशांत के परिवार के साथ ही उनके फैंस और बॉलीवुड के कई सितारे खुश हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती फिर से इस मामले पर ट्रोल होने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के एक महीने के बाद तक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं किया था। हालांकि एक महीने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वापसी की और सुशांत के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। हालांकि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी और इस केस में मुख्य आरोपी भी रिया को ही बनाया था। के सिंह ने यह भी कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इसके बाद से रिया चक्रवर्ती के सुर बदल चुके हैं और वो इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं बल्कि मुंबई पुलिस से कराने के पक्ष में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यही कारण है कि रिया को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती के पुरानी ट्वीट्स को उठाकर उन्हें रीट्वीट कर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, उसको लेकर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की पुरानी पोस्ट को फिर से शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरकार भगवान ने रिया चक्रवर्ती की सुन ली। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती को लेकर कई मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। आप भी देखिए कि सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करने के लिए कैसे कैसे पोस्ट किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने सफेद सूट में अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। रिया चक्रवर्ती की ये पिक्चर्स भी फिर से वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप भी देखिए कैसे कैसे पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि रिया ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा था कि आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूं। उनके निधन को एक महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। मुझे सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हालांकि रहे न्याय की बात, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि उस मुद्दे पर आप सीबीआई जांच शुरू करवाएं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूं कि ऐसा क्या दबाव था जिसकी वजह से सुशांत ने यह कदम उठाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सुशांत के परिवार वालों के साथ ही उनके फैंस भी काफी खुश हैं। रिया चक्रवर्ती की इसी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। सुशांत से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।